अभी क्वेश्चन 10 में हमें क्या करना है, हमें एक एनएफए दिया हुआ है और इसको हमें मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम जितने भी पॉसिबल स्टेट्स है, हमने देखा पिछली वीडियो में भी, हमने एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी पॉसिबल स्टेट्स थे वो निकाले। तो इसमें भी पहले हमें एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो इसके हम जितने भी पॉसिबल स्टेट्स है वो निकालेंगे। तो क्या क्या स्टेट्स हो सकते हैं, पीओ, पी क्यू आर एस, ए भी स्टेट हो गए, पी क्यू हो गया, देन पी आर हो गया, पी एस हो गया, क्यू आर हो गया, क्यू एस हो गया, आर एस हो गया, पी क्यू आर हो गया, पी क्यू एस, पी आर एस, क्यू आर एस एंड पी क्यू आर एस, ये 15 स्टेट्स हो गए। तो इन 15 स्टेट्स के लिए हम आउटपुट निकालेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में यूनियन में निकाले थे इक्विवेलेंस फाइंड करते समय। तो पहले इन सबको एक टेबल में लिख लेते और इनके हम 0 एंड 1 के लिए आउटपुट निकाल लेते। तो अब हमने यहाँ पे अपने जो पी क्यू आर एस गिवन थे उसके लिख लिए 0 और 1 के आउटपुट। अब बाकियों के निकालेंगे, तो पिछली वीडियो में जैसे निकाले थे हमने यूनियन करके वैसे ही निकालेंगे। अब पी 0 के लिए पी का क्या है, पी क्यू, और क्यू के लिए क्या है, क्यू के लिए है पी। तो यहाँ पे पी क्यू ही आएगा, पी क्यू, और क्यू के लिए 1 पे आर है तो पी क्यू आर आएगा। देखो पी के लिए 0 पे है पी क्यू एंड क्यू पे है आर, तो पी क्यू आर दोनों का कॉम्बिनेशन। तो और यहाँ पे हम नंबर्स देंगे जो हमने यहाँ पे लिखे। देखो अभी पी क्यू आर मैंने कहाँ पे लिखा है, पी क्यू आर मैंने 11 नंबर पे लिखा है, तो यहाँ पे आगे 11 नंबर लिखेंगे। अब पी क्यू का 1 के लिए निकालेंगे, पी का 1 के लिए क्या है पी, और क्यू का क्या है आर, तो पी आर आएगा। अब पी आर का है इधर, पी आर है 6 नंबर पे, तो यहाँ पे 6 नंबर लिखेंगे। अब पी आर के लिए निकालेंगे, पी आर के लिए पी पी क्यू है और आर के लिए एस है, तो पी क्यू एस हो गया, और इसका नंबर क्या है 12। देन 0 के लिए निकालेंगे, पी का पी है और आर का कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सब पी आएगा, पी का नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। देन पी एस का क्या है, पी का पी क्यू और एस का एस है, तो यहाँ पे पी क्यू एस आएगा वापस 12 नंबर। देन 1 के लिए निकालेंगे, पी का पी है और एस का एस है, तो यहाँ पे पी एस आएगा और पी एस का नंबर है यही है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो ऐसा सबके लिए हम निकाल लेंगे। तो अब हमने सबके लिए आउटपुट्स निकाल लिए, अब हमें करेंगे मिनिमाइजेशन। तो मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं, हम देखेंगे कि किसका आउटपुट सेम है 0 एंड 1 के लिए। देखो अभी यहाँ पे 4 नंबर पे एस के लिए जो आउटपुट है एस एस, वही सेम आउटपुट है 10 नंबर पे आर एस के लिए, तो यहाँ पे भी एस एस है, यहाँ पे भी एस एस है, तो हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। देन और कहाँ पे सेम है, यहाँ पे 7 नंबर पे पी एस है, उसका पी क्यू एस है एंड पी एस है, तो इसका सिमिलर है 13 नंबर के साथ, पी क्यू एस एंड पी एस। तो हम क्या करेंगे, 7 नंबर को और 13 नंबर को मर्ज कर देंगे। और कौन सा सेम है, क्या और है, 9 नंबर पे क्यू एस, इसका आर एस आर एस है और यहाँ पे भी आर एस आर एस है, तो इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे। तो इनको मर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे, हम इनको जो पहले हैं उनको रखेंगे और जो बाद के हैं ना उनको रफ कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या रफ किया, हमने यहाँ पे आर एस को रफ किया। देन यहाँ पे हम करेंगे पी आर एस को रफ, आर एस रफ किया 10 नंबर, पी आर एस रफ किया 13 नंबर एंड यहाँ पे क्यू आर एस को भी रफ कर देंगे 14 नंबर, क्यू आर एस 14 नंबर। अब इनको किस किस के साथ मर्ज किया हमने, आर एस को मर्ज किया हमने एस के साथ, मतलब 4 नंबर पे एस है उसके साथ मर्ज किया। यहाँ पे मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है। देन हमने पी आर एस को पी एस के साथ मर्ज किया 7 नंबर, पी एस के साथ मर्ज किया 7 नंबर एंड पी क्यू आर एस को क्यू एस के साथ मर्ज किया 9 नंबर। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां पे आर एस आ रहा है, पी आर एस आ रहा है, क्यू आर एस आ रहा है, वहां पे हम इनको रफ करेंगे और यहाँ पे नीचे वाले लिखेंगे। मतलब सपोज यहाँ पे हमारे पास
तो देखो यहाँ पे आर एस, आर एस है ना, हम यहाँ पे एस कर देंगे, एस एस एस, और एस का नंबर क्या है 4, तो नंबर भी अपडेट कर देंगे 4 4 4, और जो जो हम अपडेट करेंगे वहां पे हम डॉट लिख देंगे, यहाँ ऐसे डॉट कर देंगे, इसे आगे करना है इस साइड करना, डॉट कर देंगे। अभी ये तो हो गया आर एस का, यहाँ पे आगे हमने पी आर एस कहाँ पे लिखा है, पी आर एस यहाँ पे, तो पी आर एस को रफ कर देंगे, पी आर एस की जगह पी एस लिख देंगे, यहाँ पे नंबर 7 लिख देंगे, और अपडेट के लिए यहाँ पे डॉट लिख देंगे। देन यहाँ पे भी पी आर एस है, तो इसको भी अपडेट कर देंगे, पी एस लिख देंगे, 7 लिख देंगे और डॉट कर देंगे आगे। तो ये भी हमारा चला गया है क्योंकि हमने अपडेट कर दिया था। पर देखो यहाँ पे मेरा एक बच गया था ज्वाइन करने का, पी क्यू एस एंड पी क्यू आर एस, इसके भी आउटपुट सेम ही है, तो हम क्या करेंगे पी क्यू आर एस को रफ कर देंगे, पी क्यू आर एस कौन से नंबर का 15 नंबर, एंड उसको अपडेट कर देंगे पी क्यू एस के साथ, कितना नंबर 12 नंबर, तो इसको रफ कर देंगे। अब यहाँ पे वापस पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस है, ये रफ कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू एस, पी क्यू एस 12 नंबर, 12 नंबर, और यहाँ पे अपडेट किया ऐसा मार्क लिख देंगे। तो वो तो हो गया हमारा फर्स्ट टेबल का। और ये याद रखना है जितने भी हमारे स्टेट फाइनल स्टेट है, अभी हमारी फाइनल स्टेट का, इसमें हमारी फाइनल स्टेट है एस, तो जहां जहां एस आ रहा है वहां पे स्टार लिखना, उसके पहले स्टार लिखना। तो ये पहले टेबल से ही फॉलो करना है, मैंने पहले टेबल में नहीं लिखा, जहां जहां पे इस कॉलम में एस आएगा, एस 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 एस, वहां पे हमें स्टार लिखना है। अभी क्या करेंगे, हमने ये तो मिनिमाइज कर लिया फर्स्ट टाइम, अब सेकंड टाइम हम वापस देखेंगे कुछ सिमिलर है क्या। अभी देखो ये एस यहाँ पे है और क्यू एस में भी एस एस है, तो वापिस हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, और कहीं सिमिलर है क्या, ये 7 नंबर पे पी एस को देखो, पी क्यू एस पी एस है, एंड यहाँ पे भी पी क्यू एस पी एस है, तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे, तो यहाँ पे वापिस क्या होगा, क्यू एस 9 नंबर चेंज होगा हमारे एस 4 नंबर से, एंड हमारा पी एस पी क्यू एस है 12 नंबर का, वो चेंज हो जाएगा पी एस से 7 नंबर, तो इनको रफ कर देंगे, और जहां जहां इनकी वैल्यूज है उन सबको हम अपडेट कर देंगे। अब कहाँ कहाँ है वैल्यूज, अब क्यू एस कहाँ कहाँ है, क्यू एस है तो क्यू एस तो नहीं है, तो अब हम पी क्यू एस देखेंगे कहाँ कहाँ है, पी क्यू एस यहाँ पे, तो यहाँ पे पी एस कर देंगे, 7 नंबर कर देंगे, पी एस 7 यहाँ पे डॉट कर देंगे। पिछले वाले टेबल में हमने जो डॉट्स किए थे उनको नहीं रखना इस टेबल में, उनको रिमूव कर देना है, तो पी क्यू एस को वापस अपडेट करेंगे, पी एस हो जाएगा, यहाँ पे भी पी एस, जो इस टेबल में अपडेट करेंगे उस टेबल के डॉट इसी टेबल में, जो पिछले टेबल में अपडेट करेंगे उस टेबल के उसी टेबल में। अलग अलग टेबल आपको ड्रॉ करने हैं, इसका डिटेल जो लिखा हुआ है वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और कहाँ है पी क्यू एस, और यहाँ पे पी क्यू एस है, तो इसको भी अपडेट कर देंगे, पी क्यू एस 7 नंबर डॉट। अगर आप यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे अल्फाबेट्स तो भी चलेगा, तो पी क्यू एस यहाँ पे पी एस है, यहाँ पे पी एस है, यहाँ पे जो टेबल्स है ना इनको अपडेट करते अलग अलग टेबल ड्रॉ करने, तो ये मैंने इस टेबल को अपडेट कर लिया, ये हो गया हमारा इस टेबल का मिनिमाइजेशन। अब क्या करना है हमें, इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। ये हमारा मिनिमाइज टेबल हो गया, इसको भी यहाँ पे लिख लेते, यहाँ पे 11 नंबर आएगा, पी क्यू आर, यहाँ पे पी एस 7 जो अपडेटेड है पिछले वीडियो का, पिछले टेबल का यहाँ पे नहीं लिखेंगे इस टेबल में, देन पी आर हमारा 6 नंबर है। तो क्या करेंगे, हम ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
तो अब हम निकलेंगे ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन डायग्राम कैसे निकलेगी, हमें क्वेश्चन में हमें इनिशियल स्टेट दी हुई है क्यू, तो हम क्यू से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्यू से स्टार्ट करेंगे, तो अब आगे क्या होगा, हम क्यू से जाएंगे जीरो पे पी क्यू, तो जीरो आएगा तो पी क्यू पे जाएंगे, वन आएगा तो पी पे ही रहेंगे। देन पी क्यू से क्या जाएंगे, पी क्यू से देखेंगे, पी क्यू से जाएंगे पी क्यू आर, तो वन आएगा जीरो आएगा तो पी क्यू आर जाएंगे, और वन आएगा तो पी आर जाएंगे, तो यहाँ पे पी आर लिख देंगे वन आएगा तो। देन देखेंगे पी क्यू आर का, पी क्यू आर पे जीरो आने के बाद पी एस पे जाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पी एस। अब जिस जिसमें ऐसे वो तो अपनी फाइनल स्टेट है, तो उसको डबल सर्कल करेंगे, जितने भी फाइनल स्टेट होते हैं उसको डबल सर्कल करना होता है। तो यहाँ पे मैंने पी एस लिख लिया, देन क्या करेंगे, पी क्यू आर पी आर पे भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे वन पे पी आर पे जा रहे हैं। देन देखेंगे पी एस, पी एस का तो ट्रांजिशन नहीं है, पी पी एस का ट्रांजिशन है वो खुद पे जा रहा है, तो यहाँ पे खुद पे लिखेंगे, जीरो पे भी खुद पे जा रहा है, वन पे भी खुद पे ही जा रहा है। अब रहेगा हमारा पी आर, पी आर का देखेंगे, पी आर जा रहा है पी एस पे जीरो पे, एंड वन पे जा रहा है पी पे। तो ये सब स्टेट्स हमने यूज कर ली, अब क्यों कोई नई स्टेट नहीं आई, तो यही हमारी फाइनल ट्रांजिशन डायग्राम हो गई। तो ये हो गया हमारा एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन विथ मिनिमाइजेशन।